नमस्कार जी, मैं हूँ सिमरन अमृतसर से। वेलकम बैक टू माय लिटिल गार्डन। और आप सभी कैसे हैं फ्रेंड्स? तो मुझे उम्मीद है आप सभी भी इस टाइम विंटर्स गार्डन को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा नया गार्डन जिसकी कुछ एक लुक मैंने चेंज करने की कोशिश की है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, आप भी अगर एक गार्डनर हैं और इस तरह से पेड़ पौधों से प्यार करते हैं, तो आप भी अपने गार्डन को टाइम बाय टाइम अपने उस गार्डन के लुक को चेंज ज़रूर करते होंगे। तो इन सब में थोड़ा सा टाइम लगता ही है। तो हमारे अमृतसर में सर्दी थोड़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे फूल अभी इतने ज़्यादा ब्लूम नहीं कर रहे हैं। तो प्लांट्स काफ़ी 2 महीने पहले ही मैंने सभी की छोटी छोटी पौध लाकर लगाई थी, जो बिल्कुल सीडलिंग से हुई होती है, बिल्कुल छोटी सी प्लांट वो मैंने लाकर लगाया था। तो उनमें अभी तक फूल इतने ज़्यादा नहीं आए हैं, तभी मैं वीडियो भी नहीं बना रही थी। तो ये मेरे एक बुद्धा स्टैचू है, बिल्कुल ये नया स्टैचू लिया है मैंने। तो मुझे मेरे गार्डन में स्टैचू बुद्ध जी के स्टैचूज बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मेरे सिंघोनियम, पॉइंसेटिया, तो कुछ सीजनल और कुछ परमानेंट प्लांट मैंने मिक्स एंड मैच करके रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आजकल विंटर्स में ढेरों फूल आ रहे हैं, तो दिल करता है कि बस जल्दी जल्दी सभी ब्लूम कर लें, तो हम उसकी वीडियो बनाएं और आप सभी के साथ शेयर करें। ये जरबेरा का प्लांट है, फूल इसमें आए थे पर अभी कुछ टाइम पहले ही मुरझा गए थे, तो हटाना पड़ा मुझे। और ये आप जानते हैं फेरोकेरिया है, ये बेबी प्लांट। और ये सभी लगाए हुए हैं केल, जिसे गोभी भी कहते हैं। और ये है डॉग फ्लावर, एंटीरिनियम नाम है इसका। और ये स्नेक प्लांट के साथ मैंने कुछ इस तरह से मिक्स करके लगाया है। तो फ्रेंड्स, मुझे प्लांट को कुछ मिक्स और मैच करके लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे खूबसूरत पत्ते होते हैं, उसके अलग अलग कलर, तो मुझे ज़रा उसे मिक्स करके लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मेरा एक क्विक ओवरव्यू है, छोटा सा ही। और इस फूल का नाम मैं नहीं बता पा रही हूँ, मुझे याद आ नहीं रहा। तो कुछ एक यहाँ पे सभी परमानेंट प्लांट हैं। तो सर्दियाँ हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा, पर हफ्ते भर से हमारे यहाँ पे धूप बहुत अच्छी आ रही है, पर फूलों में इतनी ज़्यादा ब्लूमिंग अभी नहीं चल रही है। तो लेडुलस भी मैंने लगाया हुआ है काफ़ी सारे, जब भी उसमें ब्लूमिंग आएंगे वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और ये मेरा एक नया प्लांटर है, सॉरी, प्लांट लगाने वाला एक न्यू स्टैंड है, जो मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में आपके तो दोस्तों, मैंने अपनी पिछले वीडियो में इस स्टैंड को मैंने दिखाया था। तो इस स्टैंड में मेरे 4 प्लांटर एक साथ ही हैंग होते हैं। तो इस प्लांटर को भी मैंने आपको दिखाया था, ये कॉर्न प्लांटर है। कार्निशन इसमें बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और यहाँ भी पेटूनिया है। तो मुझे कॉर्न प्लांटर भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों, मेरे आसपास जो भी शोर हो रहा है, प्लीज़ उसे इग्नोर करें। तो ये बैम्बू प्लांट है और ये मेरे गार्डन का सेंटर पीस, ये आप जानते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, आप सभी ने मेरे इस गार्डन के सेंटर पीस को बहुत ज़्यादा सराहा है, बहुत ज़्यादा पसंद किया है। तो मेरे काफ़ी भाई बहन हैं YouTube पर, जो मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि इस फाउंटेन को ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, ये फाउंटेन बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल। बस इसी टब के अंदर में जो कूलर का पंप आता है, सबमर्सिबल, वो अटैच है। तो बस ये बिजली के तार पीछे से मैंने अटैच किया हुआ है।
तो फ्रेंड्स, इस बार मैंने सोचा था ग्रीन और वाइट का मैं थीम रखूंगी, लेकिन इतने सारे पॉट को वाइट पेंट करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि उन सभी पे टेराकोटा का कलर हुआ है। तो फ्रेंड्स, मेरे इस 8 इंच के पॉट में मैंने सभी में पेटूनिया लगाया है और इस तरफ भी काफ़ी सारे कैल लगाए हैं मैंने। मुझे कैल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और बाकी सब परमानेंट प्लांट हैं जिन्हें आपने काफ़ी मेरे वीडियोस में देखा है। तो फ्रेंड्स, ये आ गया है मेरे गार्डन का इस बार सरप्राइज़, जो आप सभी को मैंने बताया था कि मैं आपसे सरप्राइज़ शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को इसका पानी का साउंड आप सुन रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो हम पानी का जो सॉरी ये पॉन्ड जो आप देख रहे हैं, ये DIY किया है, बहुत सिंपल तरीके से बनाया है और इसका वीडियो बनाकर मैंने रखा है। तो कुछ एक एडिट उसे करना बाकी है, तो आप सभी को भी शेयर करूंगी वो वीडियो ज़रूर से। तो ये जो आप वाइट कलर का टैंक देख रहे हैं टब जैसा, ये है पानी का टैंकी, जो वाटर टैंक होता है हमारा। तो बस बीच में कुछ एक मैंने स्टोन रखा है और ये जो छोटे छोटे आप फिश देख रहे हैं, ये मेरे डॉटर ने लाके डाला है इसमें। तो ये जो पानी रोटेशन हो रही है इसमें, ये छोटी सी मटकी से आ रही है, इसके अंदर भी वही प्रोसेस है जो मैंने बुद्धा स्टैचू के अंदर किया है। सबमर्सिबल पंप डाला है इसमें मैंने, और यहाँ पे जो इस साइड में जो खाली वॉल थी वो मेरे बचे हुए ग्रास शीट से मैंने इसे कवर किया था। तो दो स्टैंड के बीच में जो भी जगह बच रही थी उसे मैंने फिल करना था, तो मैंने सोचा कि ये कुछ ऐसा कर लेते हैं। तो जब हम अपने गार्डन में बैठते हैं, पानी के इस तरह के साउंड को सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप बनाना चाहें तो आप भी बना सकते हैं, बहुत ही इजी है। तो ये है कुछ फिर से कार्नेशन और गजानिया। तो फ्रेंड्स, आप सभी प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं, आप सभी को ये छोटा सा एक मेरी छोटी सी कोशिश आप सभी को कैसी लगी। वीडियो शूट करने के लिए ही मैंने ये फाउंटेन ऑन किया है, वरना इतनी सर्दी में अच्छा नहीं लगता है कि हमारे बुद्ध जी के ऊपर से पानी गुजरे इस तरह से गुजरता हुआ अच्छा नहीं लगता है। तो ज़रूर बताएं प्लीज़ दोस्तों। कि कैसा लगा आपको? और ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये मेरा सिटिंग एरिया है, आर्टिफिशियल ग्रास शीट से मैंने यहाँ पे कवर करके उसे एक छोटा सा सिटिंग एरिया बनाया है। और क्यारीज आप देख रहे हैं जो बैम्बू कटिंग करके बनाया है, और ऊपर है ग्रीन नेट के मेरे फ्रेम। इस टाइम सभी ग्रीन नेट को रिमूव किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको मैं ये तारों का कनेक्शन दिखा देती हूँ, जहाँ से फाउंटेन के लिए मैंने कनेक्शन लिया होता है। ग्रास शीट के नीचे मैंने आधे तार को मैंने हाइड किया है। तो यहाँ पे जितने भी मेरे प्लांट्स हैं, ये सभी कुछ सर्दियों वाले हैं, कुछ गर्मियों वाले हैं, और ये सीडलिंग से तैयार की हुई कैलेंडुला है, बहुत सुंदर इसमें फूल आ रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं प्लांटर, ये एक ऑस्ट्रिच बर्ड की तरह बनाया हुआ है हमने। अभी इस प्लांटर को मैंने पेंट नहीं किया है। और इस तरफ के सभी स्टैंड्स तो आपने देखे ही हैं काफ़ी सारी वीडियोस में मेरे। ये जो मेरा सिटिंग एरिया है, यहाँ पे शाम के वक्त या दिन की धूप में हम लोग जब आकर बैठते हैं तो चारों तरफ में जो भी हरियाली है उससे बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने ग्रीन शीट जो बिछाई है आर्टिफिशियल ग्रास की, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, चाहे बरसात में पड़ी हो या तेज़ धूप में।
तो ये जो क्यारी आप देख रहे हैं, इस तरफ भी मैंने क्यारी बनाई हुई है। तो आपको, आपने मेरी इस क्यारी की वीडियो भी ज़रूर देखी होगी। और ये मेरे टायर प्लांटर, तो मेरे इस वॉल पे धूप बिल्कुल भी नहीं आती है। गर्मियों में सारा टाइम तो धूप रहती है, पर इन दिनों धूप की काफ़ी कमी है, तो इसलिए मैंने इस साइड में सभी शेड वाले प्लांट रखे हैं। और ये ऑस्ट्रिच बर्ड का एक और प्लांटर है। तो दो प्लांटर मैंने बनवाया था। दोनों प्लांटर में मैंने सिनरेरिया का प्लांट लगाया है, जिन्हें धूप की ज़रा कम ही ज़रूरत होती है। और ये रहा हमारा सुंदर सा ग्रीन शीट, बहुत ही नेचुरल लगता है ये। और ये सभी मेरे एरिका पाम, यहाँ तुलसी जी का पौधा, तो ये जो मेरा इस तरफ का जो वॉल है, ये फ्रंट फ्रंट वाले हिस्से का वॉल है, तो इसमें भी कोई ना कोई प्लांटर मैंने लगा कर रखे हैं। और ये भी सिनरेरिया का है, अभी ब्लूमिंग पर है ये। शाम के इस वक्त 3 साढ़े 3 का टाइम हो रहा है, धूप जाने को है। तो ये जो मेरे प्लांटर आप देख रहे हैं, ये मुझे मेरे फ्रेंड ने आसाम से भेजे थे। और ये DIY किया हुआ प्लांटर मेरा, और कुछ एक प्लांटर पे मैंने पेटूनिया लगाया है, और इस तरफ में आ गया है सुरफीनिया, जिसका वीडियो आपने पिछले बार देखा हुआ है। तो आप सभी को पता ही है, ये प्लांट बहुत ही नरम शाखाएं हैं इसकी, तो मुझे डर रहता है चलते फिरते ही कहीं हाथ भी लग जाए तो इसके ब्रांचेस ना टूट जाएं, इसलिए मैंने इसे बिल्कुल साइड पे रखा है। और ये आ गया पेटूनिया, अभी सब थोड़े थोड़े ही ब्लूम कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है मेरा गार्डन। तो धूप जाने को है। और ये वाला हिस्सा है मेरे घर का, मेरे घर का फ्रंट वाला एरिया है ये। तो इस जगह को मैं ज़्यादा ट्रैफिक जाम नहीं करती हूँ, ज़्यादा प्लांट्स नहीं रखती हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे चलना फिरना और कभी सर्दियों में कोई भारी भरकम कपड़े सुखाने के लिए फ्री छोड़ती हूँ इस जगह को, पर फिर भी आदत से मजबूर हूँ, काफ़ी सारे प्लांट्स आ ही जाते हैं। अभी भी काफ़ी सारे प्लांट्स आए हुए हैं, तो जिन्हें अभी गमलों में लगाना बाकी है, तो इसीलिए मैं कोई रेलिंग प्लांट लगाकर ज़्यादा जगह को भरती नहीं हूँ। ये आ गए हैं सुंदर से क्रिसैंथमम। मैंने क्रिसैंथमम और मैरीगोल्ड का फूल मैं कम ही लगाती हूँ, ना के बराबर लगाती हूँ। मेरे यहाँ पे गिलहरी है, आ जाती है और थोड़ी बहुत प्लांट को ख़राब करती है। तो कलर इसके इतने प्यारे हैं, तभी मैं लाने को मजबूर हो गई, पर अभी गिलहरी मुझे कम परेशान कर रही है। तो ये सभी प्लांट्स बस आप देख रहे हैं, ये है साल्विया। तो देखिए दोस्तों, साल्विया अच्छे तो लग रहे हैं, पर इतने बड़े पॉट में बहुत ही एक अगली सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। तो मुझे पॉट को हमेशा भरा भरा रखना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब देखते हैं क्या किया जा सकता है। 8 इंच का ये प्लांट पॉट है मेरा, और अगर पेटूनिया लगाया होता तो एक ही पेटूनिया काफ़ी होता, क्योंकि वो आगे चलकर उसने ज़्यादा फैलना था और बुशी होना था। तो साल्विया की वजह से वो मेरे पॉट बहुत ज़्यादा अजीब से लग रहे हैं। तो ये कुछ न्यू बचे हुए प्लांट्स हैं, जिन्हें अभी करूँगी शिफ्ट किसी दूसरे पॉट में। ये सभी पेटूनिया हैंगिंग बास्केट में। और ये आप देख रहे हैं ब्राउन कलर का जो मेरा पॉट है, ये टेराकोटा है, टेराकोटा का प्लांटर है ये। इसमें चारों तरफ में मैंने छोटे छोटे अभी पेटूनिया लगाए हैं। और ये है लीलियम, तो लीलियम का फूल जब इसमें खिलेगा बहुत सुंदर लगेगा, और इस पॉट की खूबसूरती भी आपके साथ शेयर करूंगी दोस्तों।
तो फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा जल्दी जल्दी क्विक ओवरव्यू आप सभी के साथ शेयर किया मैंने। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सभी भी गार्डनिंग करें, खुश रहें। हैप्पी गार्डनिंग, हैप्पी विंटर्स, बाय बाय, टेक केयर।